रखती है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जम्मू कश्मीर में हर रोज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से ये हर रोज दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू के बेरोजगार नौजवानों को बहुत नौकरियां दी जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर आज आप देखें बॉर्डर बटालियन के बच्चे, CISF BSF के बच्चे, PHEPDD PWD के डेली वेजर एवरेज हेल्थ टीचर जंगलात सेहत और JKSSP के दफ्तर के बाहर हर रोज धरने प्रदर्शन प्रेस क्लब के बाहर हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम ये आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ये अपना दायित्व अपनी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा है और जिसकी वजह से हमारे क्लास 4 के बच्चे जो चुने हुए थे उनको भी भर्ती नहीं कर रही है और उनको भी नौकरियां नहीं दे रही है। और हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो बेरोजगार पोस्टें जो JKSSP के दफ्तर में और पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स में पड़ी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द भर्ती करें। और साथ में आप ये आपसे ये मांग है कि हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे CISF BSF के बच्चों को जल्द से जल्द भर्ती किया जाए क्योंकि इनके साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और अमित शाह जी ने वादा किया था कि बॉर्डर बटालियन की बच्चों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, उन्हें भर्ती किया जाएगा, लेकिन जमीन के ऊपर आज कुछ भी नहीं हो रहा। और आप हमें जम्मू कश्मीर को नीलाम करने की जो योजना है जो हमें बिना स्टेट सब्जेक्ट बिना डोमिसाइल बिना लीज के आप बाहर के पूंजीपतियों को रियल इस्टेट वालों को और दुबई के शेखों को जो ज़मीनें बेच रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आप गरीब लोगों के ऊपर ये एक तुगलकी फरमान जारी करके उनको ये कहा है कि अगर दूर दराज के इलाकों में पहाड़ी इलाकों में भी उन्हें अगर कोई मकान या घर बनाना है तो उन्हें पटवारी से पंच सरपंच से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन तमाम जन विरोधी अवाम विरोधी मुद्दों को लेकर के बेरोजगार विरोधी मुद्दों को लेकर के आज हमने ये पत्रकार वार्ता की है और आप सारे पत्रकार मित्रों से हम ये गुजारिश करेंगे कि आपके माध्यम से ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के तक अमित शाह जी तक और केंद्र की सरकार को ये आंखें खुलनी चाहिए और हमारे संदेश जो है उन तक पहुँचना चाहिए।